ओके सुनो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा गार्बेज कंसिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। गार्बेज क्या होता है? जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। गार्बेज इज ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। गार्बेज दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। थर्ड, गार्बेज शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। गार्बेज को हमें अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, मीन्स ख़त्म करना चाहिए। वी कैन रिड्यूस गार्बेज बाय फॉलोइंग 4 आर्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज़। हमें रिड्यूस कैसे करना चाहिए, गार्बेज को कम कैसे करना चाहिए? फॉलोइंग 4 आर की मदद से, जैसे रिड्यूस करना चाहिए, फिर से रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल कर देना चाहिए, या फिर रिफ्यूज़ करना चाहिए, मना करना चाहिए। नेक्स्ट है एनिमल एक्सक्रीट्रिया एंड प्लांट वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। एनिमल्स का जो यूरिन या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है जो निकलता है, या फिर जो प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उसका यूज़ किस लिए होता है, क्या बनाने के लिए होता है? बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है, इनसे बायोगैस बनाई जाती है। नेक्स्ट है गार्बेज अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट विच स्प्रेड डिसीज लाइक टाइफाइड, कलरा, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री। जो गार्बेज होता है वो किसे अट्रैक्ट करता है, किसे अपनी तरफ खींचता है? मक्खियों को या फिर इंसेक्ट को, जिससे क्या होती है, बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पर। फर्स्ट वन इज़ वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। वेस्ट मटेरियल को हमें किस में डालना चाहिए? डस्टबिन में। सेकेंड इज़ वी थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन डैश। हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस में डालना चाहिए? ग्रीन डस्टबिन में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? जो हमारी घर में से निकली हुई पत्तियाँ होती हैं, या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट होता है वो। थर्ड, थर्ड है हमारा वेजिटेबल पील्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेजिटेबल पील्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। से डैश टू प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स को हमें क्या बोलना चाहिए? नो। द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस। कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है गार्बेज को ले जाने में, कचरा ले जाने के लिए? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड इज़ राइट ट्रू ऑफ फॉल्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रोड्स एंड मिक्स विद द सॉइल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा होता है? सड़ता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है? सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। ट्रू। सेकेंड इज स्वीपर कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम अवर होम। स्वीपर क्या कलेक्ट करता है? गार्बेज कलेक्ट करता है हमारे घर से। ट्रू। वी शुड नॉट रीयूज वेस्ट मटेरियल। हमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ नहीं करना चाहिए, रीयूज़। फॉल्स, हमें रीयूज़ करना चाहिए। वेस्ट शुड नॉट बी सेपरेटेड बिफोर देयर डिस्पोजल। वेस्ट को हमें अलग अलग नहीं करना चाहिए उसको डिस्पोजल करने से पहले, नहीं, हमें वेस्ट मटेरियल को अलग अलग करना चाहिए डिस्पोजल से पहले, फेंकने से पहले। तो इसमें आएगा फॉल्स। वी शुड यूज़ क्लॉथ नैपकिन। हमें क्लॉथ नैपकिन का यूज़ करना चाहिए। ट्रू। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमें आसपास का एरिया क्लीन रखना चाहिए। ट्रू। थर्ड वन इज़ लुक आउट द हिंट्स एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। हमें हिंट्स को देखना है और क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमारा अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? जो डिकम्पोज नहीं होता है, प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। दिस इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन विलेजेस। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घर पे फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है फ्यूल? बायोगैस। बायोगैस को विलेजेस में यूज़ किया जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। थर्ड इज़ ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? वेस्ट। तो कबाड़ी वाला रिसाइकलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ इज अ प्लेस यूज टू डम्प गार्बेज। गार्बेज को डम्प करने के लिए कौन सी जगह है? लैंडफिल। लैंडफिल होती हैं जहाँ पर गार्बेज को डम्प किया जाता है। अनदर नेम फॉर गार्बेज। गार्बेज का दूसरा नाम क्या है? वेस्ट। नाउ लास्ट वन, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स थ्रू रूटन वेस्ट। जो सड़े हुए कचरे से वेस्ट बीमारी फैलती है उसको क्या बोलते हैं? कॉलेरा।
ओके सो नाउ नेक्स्ट पेज. ओके सो नाउ पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 4. आंसर्स दिस क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कलेक्ट सम वेस्ट मटेरियल एंड मेक यूजफुल थिंग्स विद इट. आप लोगों को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है. कुछ वेस्ट मटेरियल होगा उसको आपको कलेक्ट करना होगा और यूजफुल थिंग्स आप घर में बना सकते हैं. नेक्स्ट लाइफ स्किल क्या है? इफ एवरी चाइल्ड सेव्स वन शीट ऑफ पेपर इन अ डे देन ऑलमोस्ट 90,000 ट्रीज आर सेव्ड एवरी ईयर. अगर कोई भी एक चाइल्ड एक शीट का पेपर सेव करता है एक दिन में फाड़ता नहीं है तो हम इससे 90,000 पेड़ों को बचा सकते हैं. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.